गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो विषय जो मंत्र विधान आपको बताने जा रहा हूँ आप सब बहुत अचंभित होंगे इसको जानकर आमतौर पे हम लोग जो सटकर्म है मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण इनको नेगेटिव रूप में ही जानते हैं मोहन और वशीकरण तो फिर भी प्रेम रूप के लिए होता है मारन मोहन स्तंभन तो ऐसे शब्द हैं जो कि तांत्रिक लोगों को डराने के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन जो ये साधनाएं बनी जो ये मंत्र बना इसका हमेशा एक पॉजिटिव कारण था चाहे वो मारन हो तो मारन आज के डेट में लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए किसी का मारन कर दिया मारन में सात मारन आप कर सकते हैं अगर आप सिद्ध हैं लेकिन वो राष्ट्रहित या धर्महित में होना चाहिए मोहिनी भी राष्ट्रहित में होना चाहिए तभी कर सकते हैं और वो भी राजा के कहने पे तो इस तरीके से अलग अलग जो तंत्र क्रियाएं हुई उसका अलग अलग उपयोग था जिसका बाद में दुरुपयोग होने लगा आते हम स्तंभन पर आज के जो युग है आज का जो कलयुग है इसमें स्तंभन के टोटकों का बड़ा प्रयोग होता है लोग किसी का व्यापार स्तंभित कर देते हैं किसी का घर स्तंभित कर देते हैं किसी की खुशियों को, को स्तंभित कर देते हैं किसी का परिवार स्तंभित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पतन की कगार पर हो या बहुत तेजी से पतन हो रहा हो जिसका आप देख सकते हैं एक साधक के रूप में या खुद आप खुद को देख सकते हैं कि आपका बहुत ज्यादा पतन हो रहा है और पतन ऐसा हो रहा है जो रुक नहीं रहा है तो उस समय वैसे व्यक्ति पर भी स्तंभन का प्रयोग किया जाता है आम जनमानस में यह एक भ्रांति है कि स्तंभन का प्रयोग सिर्फ जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए किया जाता है स्तंभन बहुत बार ऐसे चीजों जैसे किसी दो व्यक्तियों का संबंध बहुत बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा स्तंभन करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता और ना बिगड़े ठीक है तो स्तंभन आप जिस व्यक्ति पर कर रहे हैं सबसे पहले यह समझ लो स्तंभन ऐसे व्यक्ति के पे करना आ, ये जो स्तंभन मैं बताने जा रहा हूं जो सच में बहुत बुरे स्थिति में हो ठीक है स्तंभन एकदम आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है अगर किसी को किसी भी पूजा पाठ से राहत नहीं मिल रहा है तो फिर उसके स्थिति को यथास्थिति करने के लिए स्तंभन किया जाता है स्तंभन के बाद जो है धन वृद्धि या फिर परिवार वृद्धि का तंत्र चलाया जाता है सबसे पहले ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति जिस पे स्तंभन हो रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए कि उस पर ऐसा स्तंभन आप कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपने घर से निकलने से पहले गाय के शुद्ध घी में चीनी को मिला करके पी लेना है एक चम्मच भी कम से कम और उसके बाद अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखना है ठीक है ऐसा करने से कोई भी विपरीत ग्रह कोई भी विपरीत इंसान या कोई भी विपरीत तंत्र उसके सामने आ करके के ठंडा हो जाएगा ठीक है तो ये एक प्रयोग आप उसको करके दे सकते हैं बता सकते हैं जिस पर आप कर रहे हैं ताकि कम से कम उसे हानि हो एक बार जब तंत्र प्रयोग शुरू हो रहा है आपको क्या करना है आपको एक मंत्र का जाप करना है कितना जाप करना है ये मंत्र पहली बार जब आप जाप करेंगे तो इसका दस हजार जाप करना है ठीक है मंत्र क्या है तीन बार मैं मंत्र बताऊंगा आप लोग सुने ओम नमो दिगंबराय अमुकस्य जब अमुकस्य बोला तो वहां पर अगर खुद पर आप प्रयोग कर रहे हैं तो खुद का नाम और अगर सामने वाले किसी की विपरीत स्थिति को रोकने के लिए आप स्तंभन कर रहे हैं तो उसका नाम स्तंभन कुरुकुरु स्वाहा तो ओम नमो दिगंबराया अमुक स्तंभन कुरुकुरु स्वाहा अयूत जपात मंत्र सिद्धो भवती अष्टोत्तर सत जपात प्रयोग सिद्धो भवीत ठीक है इस मंत्र का आप दस दिन तक रोज हजार जाप करें उत्तम यह होता है कि अमावस्या के प्रतिपदा के दिन से शुरू करके इसको दस दिन आप जाप करते हैं उसके बाद बीच में गैप देते हैं और फिर अमावस्या में इसकी पूर्ण आहुति देते हैं पूर्ण आहुति कैसे होती है इसकी पीपल की लकड़ी होगी जो गिरी हुई लकड़ी होती है पीपल काटना नहीं है जो गिरी हुई लकड़ी होती है उसको निकाल लें कम से कम नौ उसके गाठ काट दें ठीक है और जो सफ़ेद सरसों है उससे इस मंत्र का दशांशा भवन करेंगे इतना करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा सिद्ध होने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आपको मंत्र जाप करना है उसका अपने आसन के नीचे जिस आसन पर आप बैठिएगा बैठने से पहले आसन के नीचे उसका नाम लिखिएगा रोली से ठीक है उसके ऊपर आसन बिछाइएगा जब ये साधना आप उसके लिए कीजिएगा किसी के लिए स्तंभन कीजिएगा तो फिर उस समय आपको आसन का बंधन नहीं करना है आप बैठ जाइए फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करिए ठीक है।, है 108 बार जाप करने से उस व्यक्ति पर स्तंभन का प्रयोग हो जाएगा ये तरीका जो है ये तरीका क्यों निकाला गया देखो किसी भी तंत्र को काटने के लिए तंत्र किसने किया किस शक्ति से किया यह सब जानना बहुत जरूरी होता है बहुत बार ऐसा बंदिश लगा हुआ होता है कि तंत्र का पता नहीं चलता बहुत बार ऐसा भी होता है कि तंत्र होता नहीं है किसी देवता का प्र, प्रकोप होता है कई बार ऐसा होता है कि ग्राम देवता का प्रकोप होता है कई बार कोई खानदानी श्राप चल रहा होता है ठीक है ऐसी स्थिति में बहुत सारा उपाय काम नहीं करता है उपाय सारे रुक जाते हैं उस स्थिति में जो व्यक्ति बहुत तेजी में गिर रहा हो जिसका जीवन बहुत तेजी में बर्बाद हो रहा हो बिल्कुल हेमोपित दवाई की तरह काम करेगा उसको बिल्कुल ही रोक देगा तो जहां उसका विकास रुकता है वहीं पर उसका विनाश भी रुक जाता है उस पॉइंट से मतलब ये समस्या का समाधान नहीं है ये समस्या का टेम्प्रोरी समाधान होगा एक बार जब स्तंभन आप उस व्यक्ति पर कर दोगे तो उस पर चलता हुआ तंत्र भी रुक जाएगा एक बार तंत्र रुक गया तो पारिवारिक कलेश है तो उस पर मोहिनी या वशीकरण का प्रयोग करो अगर उसके धन में अभाव है तो फिर नरसिंह और लक्ष्मी का जो है प्रयोग करके उसको फिर से पटू आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस पर आपको आसन बंधन दिशा बंधन, ये सब सिखाया जाता है जो भी अब घोड़ में आने से पहले आपको जानकारी चाहिए होती है सब इसमें मिल जाता डायरेक्ट बात करने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट एक्सर तंत्रा पर आप लॉग इन करिएगा उसमें मेरा अपॉइंटमेंट सेक्शन है आप वहाँ से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ एट सी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही माँ भगवती आप सभी को वृत्त ऐसी मेरी कामना है आप सभी को तो आदेश आदेश अलग आदेश